तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे तुल एक्सपेरिमेंट। आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये है स्पीकर 12 इंची का। यहाँ पर हम वॉइस कॉल चेंज कर रहे हैं। पहले सिंपली हम लोग डस्ट कैप हटा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो है 200 वाट का स्पीकर है जो कि कैपिटल कंपनी का स्पीकर है। यहाँ पर वॉइस कॉल हम चेंज कर लेते हैं, नॉर्मल स्पीकर है, मेड इन इंडिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैं वॉइस कॉल चेंज कर रहा हूँ। और सिंपली इस तरीके से आपको भी करना है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वॉइस कॉल चेंज कर रहे हो तो आप एक से दो बार ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। फिर रिकॉन कराएं पूरा स्पीकर, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वॉइस कॉल वेरम व्यार चेंज करने से आपकी जो पेपर की लाइफ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ से जो है छूट जाता है, जगह जो होता है पेपर घिस जाता है। तो कुछ यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो तेज़ करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, फिर भी वीडियो 7-8 मिनट की बन ही जाती है स्पीकर रिपेयरिंग की। चलिए उसको इग्नोर मारिए, वीडियो लंबी तो होती है लेकिन नॉलेज चाहिए। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉपर और इसमें कुछ मतलब क्या है ना, इसको घिसो तो CCW वायर रही है। आउटर कॉइल है, तो ये करीब मेरे हिसाब से करीब स्पीकर बैठेगा 150 वाट का। इसकी मतलब इसे 300 वाट तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंपनी ने बोल रखा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और प्लीज़ कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको लाते रहूँगा। बाकी यहाँ पर हमने डस्ट कैप जो है वो सॉरी वॉइस कॉइल जो है निकाल दिए। तो यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे से पॉइंट है, इन चीज़ों को क्लियर करना होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जो है छोटा छोटे जैसे वॉइस कॉइल है जो कॉपर रह गया, वो चीज़ देख सकते हैं, ये अपना हीट पड़ गया और ऊपर साइड में जल भी गया है। तो इस चीज़ को निकालना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इसको अभी रात का टाइम हो गया, तो यहाँ पर मैंने फिर अलग से करना पड़ा। तो यहाँ पर अभी क्या है ना, यहाँ पर ड्रिल मशीन है हमारे पास, तो इसकी जगह आप रेक माल का भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से घिसने के लिए, ठीक है। इसकी जगह घिसने के लिए आप रेक माल का यूज कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत ना हो, बेरम्बार वॉइस कॉइल बैठा के देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो होल ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो कुछ यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, तो हमें फिर से ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक। तो ये थोड़ा मेरे को मतलब काम तेज वाला है हमारा, तो काम भाई एक्चुअल में क्या है ना, एक दो स्पीकर बनाए नहीं है, करीब 10 स्पीकर बनने के लिए आए हैं। तो फिर हमारे को ये नहीं है भाई कब तक घिसते रहेंगे उससे। तो यहाँ पर अभी फिर से एक बार वॉइस कॉइल बैठा के देख लेते हैं। हाँ, अब जो है हमारी वॉइस कॉइल बैठ गई है, तो इसको फिर से निकाल लेते हैं ऊपर साइड में कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर निकालने के बाद ब्लोअर से आपको साफ कर लेना, जितनी भी डस्ट है आपकी साफ हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल प्यार से साफ कर लीजिए। और देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि वैसे स्पीकर जैसे कि अब इसमें जो है अंदर की साइड में जो डस्ट रह गई होगी, तो कपड़ा लगा के हल्का सा पानी लगा सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल ना के बराबर, ताकि वो डस्ट उसमें से चिपक के ऊपर साइड में आ जाए, ठीक। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ताकि आपके स्पीकर जो है क्वालिटी दे, खड़खड़ाहट ना दे, बिल्कुल ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए 12 इंच का स्पीकर जल्दी उड़ता नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चला रहे हो और किस तरीके का एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पेपर कोन लगा लेंगे, ये तीनों साइड में लगा लीजिए आमने सामने, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए अगर बच रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर वॉइस कॉइल को बैठालते हैं कुछ इस तरीके से। वायरिंग हमेशा ट्रेमिल के सामने होना चाहिए, ताकि वायरिंग करते समय दिक्कत ना हो, ठीक। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और तो यहाँ पर जो है अभी हम वॉइस कॉल को बैठा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वॉइस कॉल पूरी सेट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, तो नीचे करने के बाद आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि आपको क्लियर करना है। यहाँ पर वॉइस कॉइल में जूम करके दिखा देता हूँ, हमने वॉइस कॉइल को कितना नीचे साइड में कर रखा है। इसमें आपको क्या है ना, 12 इंच में बहुत ही मैग्नेट से कम ऊपर साइड में रखना होता है वॉइस कॉइल को,
बहुत ही ना के बराबर रखना होता है, ये नहीं कि हपक के कर दिया, वरना स्पीकर आपका जो प्रेस मतलब बेस झेल नहीं पाएगा, फड़फड़ाएगा, क्वालिटी नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो 12 इंच में अलग सिस्टम होता है, 12 इंच में अलग होता है, 18 इंच में अलग होता है, और 22 इंच में अलग होता है। सब चीज़ अपने अपने डिपेंड मतलब अब स्पीकर अपने अपनी जगह अलग अलग वॉइस कॉल सेट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग वाउंड के यूज कर रहे हैं, वाउंड टाइट है, ये थोड़ा अलग अलग कंपनी का होता है, वेस्ट है। और एक और करके आता है, वो भी अलग कंपनी का होता है, लेकिन दोनों के काम इक्वल होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, वॉइस कॉल जब बैठा ले हो तो बराबर बैठा लें, एक साइड में, एक ज़्यादा ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी वॉइस कॉल थोड़ा सा टेढ़ा चलेगी, टेढ़ा चलने पे मैग्नेट पे टच होगी, मैग्नेट पे टच होने के बाद कॉल शॉर्ट हो जाएगी। तो ये थे पॉइंट। तो देखिए, कोशिश ये करता हूँ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखूँ, मतलब दूँ, ठीक है। और बाकी आपको ऊपर डिपेंड करता है आप मैं कैसी वीडियो बनाता हूँ कैसी नहीं, अगर वीडियो बढ़िया बनाता हूँ तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं बनाता हूँ बेकार बनाता हूँ तो प्लीज़ डिसलाइक कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमें कुछ इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से आपकी जो वॉइस कॉइल है उसको बैठा लेना है, ताकि आपका कोई भी जगह ना छूटे, ना ही स्पाइडर का, ना ही वॉइस कॉइल के बीच का, ना ही पर्दे के बीच का, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है, अगर थोड़ा सा भी छूट गया लाइव साउंड में बहुत ही बेकार क्वालिटी बनती है। 5 मिनट के बाद इसको पेपर को निकाल लेना है, ठीक है, ये 5 मिनट के बाद है, नहीं तो आप सोचो भाई तुरंत की तुरंत ही बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 मिनट के बाद आपको पेपर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से रफली चलाना है, अगर रफली चल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, बहुत ही मतलब मस्त लगेगा कि स्पीकर अगर रफली चल रहा है, बिल्कुल कहीं नहीं लग रहा, खड़खड़ाहट नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए स्पीकर बिल्कुल बढ़िया है। ठीक, यहाँ पर मैं बैटरी ले लेता हूँ, बैटरी से मदद से आपको दिखा देता हूँ स्पीकर कि ठीक है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस होगा तो ऊपर की साइड में, माइनस होगा तो नीचे की साइड में चलेगा स्पीकर। तो अब यहाँ पर करते हैं वायरिंग, सोल्डरिंग बोले तो कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग, आप वही वायर लगा लें, ज़्यादा न्यू वायर का यूज ना करें उसमें, क्योंकि ये वायर जो कंपनी से आते हैं वो थोड़ा अलग ही होते हैं, और नए वायर होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं वो लोकल क्वालिटी के होते हैं। ठीक, कुछ यहाँ पर इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पर हम लगाते हैं पेस्ट, और फिर रंगा सोल्डरिंग कर देते हैं बढ़िया तरीके से। सोल्डरिंग करने के बाद आपको वाउंड टाइट जरूर लगाना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया तरीके से सोल्डरिंग करने के बाद कुछ यहाँ पर वाउंड टाइट को मिक्स कर लेते हैं, सिंपली उसी तरीके का प्रोसेसिंग है जिस तरीके का पिछले मतलब वीडियो में होता है, और भी मतलब जैसे हम करते हैं, तो इस तरीके से करना है आपको वाउंड टाइट बढ़िया तरीके से। कुछ यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए, ओके। तो यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं लगाना है आपको, नॉर्मली लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डस्ट कैप है वहाँ भी लगा दीजिए आराम से, कुछ इस तरीके से आराम से लगाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, कुछ यहाँ पर लगाने के बाद, ओके। फिर यहाँ पर हम डस्ट कैप को सिंपली सीधे की सीधे मतलब बेस मतलब बैठा देते हैं सीधे लाइन में, और सीधे लाइन में बैठाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी अपना स्पीकर हो गया तैयार, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप।